अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी का मसाला, जो कि हम बनाते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम बिरयानी का मसाला कैसे बनाते हैं घर पे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि प्याज लिए हैं तकरीबन 6 से 7 अदद, दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिनको मैं फ्राई कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दरअसल मैंने वो काट के पहले ही ना डाल दिए थे ऑयल में। ये वाले ऑयल के चम्मच मैंने डाले थे 3 से 3.5 चम्मच डाले थे, और 6 से 7 अदद प्याज थे जो कि वो इसके काफ़ी कम हो चुके हैं। और इसके साथ अब मैं आपको बताऊंगी, ये चिकन है, इसमें हम डालेंगे 1 प्याली दही की, और चिकन में डाल के हम इसको ये जी बिरयानी मसाले का 1 पैकेट है, इसको शामिल कर देंगे, और इसको हम उतनी देर के लिए छोड़ देंगे जितनी देर तक हमारे प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं, उतनी देर तक ये चिकन मैरिनेट होता रहेगा। जितनी देर हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है उतनी देर हम ये टमाटर हैं जी, मैं आपको बताऊं, ये टमाटर हैं, सब्ज मिलते हैं, ये अदरक का टुकड़ा है, इनको हम काट लेंगे। अदरक और लहसुन वगैरह बना लेते हैं उतनी देर में हम, तो जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रहे उतनी देर में ये सारी चीज़ें हम काट के रख लेते हैं। टमाटर सब्ज मिर्चें मैंने काट ली हैं, बस अभी अदरक और लहसुन रह गया बनाने वाला। इधर प्याज भी देखे हो गए हैं ब्राउन, बहुत ज़्यादा नहीं करना है ब्राउन, और इसको अब शामिल करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन टमाटर मिर्चें वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ताकि ये भी अच्छी तरह से उतर जाए सारा मसाला, दही और बिरयानी मसाला सारा। इसको तो मिक्स कर ली, इसमें शामिल कर देते हैं। इसमें पानी थोड़ा सा और डालेंगे हम, आधा कप, क्योंकि टमाटर वगैरह काफ़ी हैं, वो उनका अपना पानी भी हो जाएगा, और 1 प्याली पानी वैसे भी डाला, दही है। तो इसको अब मैं बस पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और लहसुन और अदरक जल्दी से पेस्ट बना के इसमें डाल देती हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है, वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ, और इनको सब मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। आपने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो ना टमाटर सब मिर्चों के साथ ही डाल लेना, मैंने बस वो लहसुन छीलने वाला था इसलिए थोड़ा देर हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो जाए इसका, चिकन का, और बीच बीच में हिलाते रहना ताकि ये लग ना जाए नीचे पैंदे पे मसाला। जैसे ही पकता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। मसाला जी तकरीबन रेडी हो चुका है, ये देखें ऑयल बाहर निकल आया इसका। अब हम इसमें ना इसको थोड़ा सा कुछ करने के लिए, करारा बनाने के लिए इसमें 1/2 टेबल स्पून सूख मिर्चों का डालेंगे, और नमक डालेंगे 1/2 से 1/2 बस। ये इसकी ट्रिक है, इससे आपकी बिरयानी जो है ना तो स्पाइसी और जबरदस्त बनेगी। थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं, इन मिर्चों को पकाना नहीं है हमने, बस अब हम चूल्हे को कर देते हैं बंद। इधर चावल हमने रखे हुए उबलने के लिए, चावल उबल जाते हैं तो फिर मैं इनको मिक्स करते हैं मसाले। ये जी डाल दिया हमने मसाला, इसके ऊपर हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, कलरफुल बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कलर, ये है जी मेरे पास जर्दा कलर, आप ऑरेंज डाल दें, जर्दा डाल दें, ये देखिए मेरे पास दोनों ही कलर हैं। मैं इसमें ऑरेंज कलर थोड़ा सा डाल दूँ, जर्दा कलर, ये देखिए 2 से 3 चुटकी कलर है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स हो गया जी अच्छी तरह से। इसमें गुठलियाँ वगैरह तो नहीं है, नहीं है। अब हम इसको इसमें शामिल कर देते हैं, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया,
और इसको हम लगा देते हैं दम पे। कपड़ा मैंने रखा है, मैं इसको दम पे लगाती हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे 5 से 6 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए ये चावल भी उबल गए हैं, चावल को हमने उबाल लिया। अब हम इनको तह लगाएंगे, पहले हम करेंगे चावलों की तह। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तह चावलों की लगाएंगे और एक तह लगाएंगे हम मसाले की। ये जी एक तह हो गई चावलों की, अब हम दूसरी इस पे लगाएंगे जी बिरयानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 मिनट, मुझे ज़ीरा डालना याद नहीं रहा, इसके साइड में ना थोड़ा सा ज़ीरा डालना है मुझे, 1 से 1.5 चम्मच इन चावलों में। बाकी मैं इन चावलों में मिक्स कर देती हूँ, सारा मिक्स हो जाएगा। दरअसल मेरा एक हाथ है, दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा इजी नहीं हो रहा जी। रहा जी एक तह हमने चावलों की लगाई, एक तह हमने मसाले की लगा ली। अब इसके ऊपर डालेंगे हम सब्ज़ धनिया और फिर इसके ऊपर डाल देंगे हम चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो चावलों में मैंने ज़ीरा मिक्स कर लिया, इसमें 1 से 1.5 चम्मच आप ना ज़ीरा मिक्स कर लें। ये तकरीबन मुझे चावल मेरे ख्याल में आपको बताना याद नहीं रहा, ये 2.25 गिलास चावल हैं मैंने जिनका मसाला बनाया। ये देखें जी इसके ऊपर धनिया डाल दिया, फिर ये मसाले की तह लगा देंगे हम। बिस्मिल्लाह, ये तह वाली बिरयानी है जी, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बनती है, हमारे घर में फेवरेट है सबकी। आप इसको इस तरीके से बनाएं और खाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। मसाला अच्छी तरह से ना इसके ऊपर डाल रही हूँ। सबको अच्छी तरह से ना हर साइड मसाले को ले लिया हमने। अब हमने इसके ऊपर जो इसमें है पीली में मसाला वो भी मैं निकाल दूँगा। इसके ऊपर हम बाकी वाले चावल डाल देंगे सारे एक ही बार में। बिस्मिल्लाह, ये जी डाल दिया मसाला। इसके ऊपर हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, कलरफुल बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कलर, ये है जी मेरे पास जर्दा कलर, आप ऑरेंज डाल दें, जर्दा डाल दें, ये देखिए मेरे पास दोनों ही कलर हैं। मैं इसमें ऑरेंज कलर थोड़ा सा डाल दें, जर्दा कलर, ये देखिए 2 से 3 चुटकी कलर है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स हो गया जी अच्छी तरह से। इसमें गुठलियाँ वगैरह तो नहीं है, नहीं है। अब हम इसको इसमें शामिल कर देते हैं, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया। और इसको हम लगा देते हैं दम पे। कपड़ा मैंने रखा है, मैं इसको दम पे लगाती हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे 5 से 6 मिनट बाद मिलते हैं जी। ये जी मैंने कपड़ा गीला करके ना इसको दम पे लगा दिया, अब तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे, फिर बाद में चावल चेक करते हैं जी। माशाल्लाह से देखिए बिरयानी तैयार हो गई है पक्के। अब हम इनको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, देखिए माशाल्लाह से कैसे एक एक दाना अलहदा अलहदा। अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इनको प्लेट में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए कैसे माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाले वाली बिरयानी तैयार वाली तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त बिरयानी हमारी मज़ेदार तैयार है, आप इनको बनाएं इस तरीके से और इन्जॉय करें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।